लीड करने के लिए सर जे आई कभर जी है और एपीएसएलसी है। जिंदाबाद। मोर नाम डेनियल लांगा सा অসমীয়া মই অলপ চলপ কব পাৰো। রিসেন্টলি আমার ডিমা হাসত অটোনমাস কাউন্সিল ইলেকশন হয়েছিল। এতিয়া সময়ত অসম পৰা চিফ মিনিষ্টাৰ মিনিষ্টাৰ সব আহিছে আৰু আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আহিছে। हिंदी से बोल देगा? हिंदी सब समझता है? अच्छा ठीक है, हिंदी से बोल देगा। तो आप लोग हिंदी से, तो हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल इलेक्शन हुआ जनवरी में, तो सब आया दिसपुर से, मिनिस्टर लोगों चीफ मिनिस्टर आया। तो जितना कैंडिडेट था, हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, पहले हम कांग्रेस में था, बाद में हम कांग्रेस छोड़ दिया, तो हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होके हापलोंग से इलेक्शन लड़ा। तो जितना कैंडिडेट था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हम लोग को बुलाया चीफ मिनिस्टर। तो हम बोला चीफ मिनिस्टर है, मान इज्जत देना है, मिनिस्टर लोग बुलाया तो जाके मिलना चाहिए, है ना? नहीं, तो हम भी मिलने गया। तो हम जब मिलने गया, फर्स्ट चीज हमको पूछा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से पूछा हमको, डेनियल तुम जे आई कथर सर के साथ इतना क्यों मिलता है, हमको पूछा। फर्स्ट चीज हमको पूछा, हम झूठ नहीं बोलेगा आप लोगों के साथ में, हम कॉन्स्टिट्यूशन को कसम खा के बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म। हम लोग के लिए सिक्स शेड्यूल एरिया में बाइबल कुरान गीता से भी बरकर है हम लोग को सिक्स शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोग को होली बुक है, इतु हम लोगों का होली बुक, उसको कसम खाई के हम बोलता है झूठ कुछ नहीं बोलेगा। तो हमको चीफ मिनिस्टर से बोला, डेनियल तुम जे आई कथर को क्यों इतना मिलता है, उसके साथ बात करता है बोला। तो हम सोचा ये तो क्या बात है, लेकिन हम समझ गया ये क्यों पूछा। ये पूछा क्योंकि आज के दिन में अगर हम लोग का तीन हिल डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का आसाम गवर्नमेंट और अभी का बीजेपी पार्टी अगर किसी से डरता है, वो जे आई कथर सर से डरता है। लेकिन क्यों डरता है, क्यों डरता है हम लोग को जे आई कथर जी से? वो तो कोई डॉन तो नहीं है ना, साउथ इंडियन फिल्म का डॉन है नहीं क्या है तो? केजीएफ चैप्टर थ्री का हीरो है नहीं क्या है तो? हम लोग को रॉकी भाई है नहीं क्या? नहीं है ना, तो क्यों डरता है? कोल माफिया तो नहीं है, कोयला माफिया तो नहीं है, हा? ना मिलिटेंट है अभी जो, टेररिस्ट तो नहीं है, तो क्यों डरता है? अभी तो इलेक्टेड एमएससी भी नहीं है, इलेक्टेड एमएलए भी नहीं है, इलेक्टेड एमपी भी नहीं है अभी तक, तो क्यों डरता है? एक ही बात के लिए डरता है, क्योंकि पब्लिक के लिए आवाज उठाता है, सिक्स शेड्यूल के लिए आवाज उठाता है। अभी के समय में, आज के दिन में, हम पहले कांग्रेस में था हमारा फैमिली, एक समय में हमारा माई बीजेपी में भी था, लेकिन आज बीजेपी कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी ना टीएमसी कोई पार्टी से हम रिप्रेजेंट करके नहीं आया, हम एक्स एमएससी होके भी आप लोगों के बीच में नहीं आया, हम एक टू यहाँ का इंडिजिनियस आदमी बन के आया आप लोगों के साथ में, यहाँ में कार्बी भाई बहन के साथ में, यहाँ में बोरो भाई बहन के साथ में, तीवा राभा हिमासा भी है इधर पे, मार है, कुकी है, सब हम लोगों यहाँ में नागा, हम लोगों एज ए ट्राइबल एज एन इंडिजिनियस आपने हम होके आया है आज के दिन में। और आज हम बोलने आया कि कौन सा पार्टी को जिताओ, ये पार्टी में जाओ, ये इलेक्शन के टाइम में ये बात बोलने नहीं आया, लेकिन लोकसभा जो है हम लोग का सबसे बड़ा घर है,
हम लोग का अपना घर तो है, लेकिन लोकसभा हम लोग को इंडिया में हम लोग का सबसे बड़ा घर है। तो हम लोग को सबसे बड़ा घर में जब हम लोग अपना आदमी को भेजेगा तो कैसे वाला आदमी को भेजेगा? हाँ, जो हम लोग को घर को बचा नहीं सकेगा वैसे वाला आदमी को भेजेगा। जय कथा जी को भेजना है आज के दिन में, इसलिए हम आया है। हम तो एक आम नागरिक है, लेकिन हम एक पॉलिटिशियन भी है। एक पॉलिटिशियन होके आज के दिन में हमको एपीएचएलसी को सपोर्ट करके हमको पॉलिटिशियन होके हमको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। हमको एपीएचएलसी से हम टिकट लेने नहीं आया यहाँ में, एपीएचएलसी से इलेक्शन लड़ने हम आज नहीं आया। आज हमको अगर बीजेपी बुलाएगा, कांग्रेस बुलाएगा, तो हमको वो लोग ज्यादा कुछ दे सकेगा होगा, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए। हमको एक आदमी, सही आदमी को, सही आदमी को, अच्छा आदमी को हम लोग दिसपुर में, दिल्ली में एक बार तो भेजना है, एक बार तो भेजना है, एक बार भेजना है ना नहीं? ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी मतलब सब पार्टी। आज के दिन में खाली यहाँ में फील्ड में जितना आदमी है उसको हम नहीं, जितना वीडियो के थ्रू से, मोबाइल के थ्रू से, फेसबुक कहाँ कहाँ से जो देखते हैं आदमी, आप लोगों को भी हम मैसेज देखने मांगता, देने मांगता। ऑल पार्टी बोला ना, इसलिए आप आज के दिन में बीजेपी का मेंबर भी होने सकता, आप कांग्रेस का भी होने दो, जो भी होने दो, लेकिन एक बार तो आप लोगों ट्राइबल यूनिटी सोच के वोट देना होगा, एक बार तो आप लोगों ट्राइबल यूनिटी सोच के वोट देना होगा। एक बार के लिए आप लोगों को अपना पार्टी छोड़ दो, एक बार के लिए इलेक्शन के बाद लगने से फिर से चल जाओ अपना पार्टी में। अगर आपको कोई बीजेपी का कॉन्ट्रैक्ट का पैसा लेने बाकी है तो आप बीजेपी में बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार वोट तो ट्राइबल यूनिटी को सोच के एक बार तो वोट देने लगेगा, एक बार देने लगेगा। अगर आप आज के दिन में कांग्रेस का मंडल प्रेसिडेंट है, महिला प्रेसिडेंट है, नहीं तो कुछ विलेज कमिटी का है, और आप लोगों अपना पोस्ट को बचाने मांगता, तो बचाओ, आप कांग्रेस में बैठो, लेकिन एक बार तो आप लोगों कार्पियांग और डिमा हसाओ को, सिक्स शेड्यूल को और ऑटोनोमस स्टेट को मांगने के लिए एक बार तो आप लोगों वोट देने लगेगा। जय कमार को एक बार तो वोट देने लगेगा आप लोगों को, नहीं तो हम लोगों आने वाला जेनरेशन को, अपना बच्चा बच्ची को क्या सिखाएगा? हाँ, हम लोगों पढ़ा लिखाई करो बोलता, स्कूल में जाओ बोलता, अच्छा से पढ़ो लिखो बोलता ना नहीं? आप लोगों बच्चे को क्या बोलता, बंदूक पकड़ो देखी बोलता नहीं? बोलता ना, डिपार्टमेंट से पैसा लूटो बोल के सिखाता बच्चा को? नहीं सिखाता। हम लोग सामने में एक तो आगे का आईएएस ऑफिसर है, पढ़ाई लिखाई करके तकलीफ करके आईएएस बना है, आज के दिन में हम लोग उनको सर्व करके डीसी तक बन के आया है। ऐसा आदमी को हम लोग सिक्स शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम लोग दिल्ली में नहीं भेजेगा तो किसको भेजेगा? हम लोग किसको भेजेगा? डिपार्टमेंट का पैसा चोरी करने वाला आदमी को भेजेगा नहीं क्या हम लोग? आप लोग देखो, हम यहाँ आने का पहले, हम आज यहाँ आने का पहले हरेन सिंह भी हम लोग जो आगे का एमपी है, वो पांच साल में हम लोग एमपी होके दिल्ली में क्या क्या सवाल पूछा, क्या क्या जो पूछा, हाँ वो हम देख के आया। जब वो पूछा कि हम लोग डिपू में राजधानी स्टेशन कोरोना का बात में नहीं रुकता है, इसलिए राजधानी का राजधानी ट्रेन को एक बार डिपू में रुकाई दो ना बोल के, ठीक है ट्रेन जरूरी है, लेकिन एक तो एमपी होके अगर इतना भी पावर नहीं है एमपी का कि पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट करने लगता एक तो स्टॉपेज को ले, तो बहुत शर्म का बात है, ये तो है ना नहीं? बहुत शर्म का बात है।
ट्रेन स्टॉपेज के लिए तो एमपी तो डायरेक्ट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज का ऑफिस में भी तो जाके डिमांड करने सकता है ना, इतना मान इज्जत तो होना है ना। पार्लियामेंट में क्यों भीख मांगने लगता हूं, एक तो स्टॉपेज के लिए नया ट्रेन स्टेशन बनाओ बोलने से तो अलग बात है, डिपू में एक तो एयरपोर्ट लगता बोलने से तो अलग बात है, एक तो स्टॉपेज के लिए। उसके बाद में जब आर्टिकल 244A के बारे में पूछा तो सरकार से क्या जवाब दिया कि ऑटोनोमस स्टेट का कुछ हम लोगों को विचार नहीं है, आप लोगों के बारे में हम लोग कुछ हम लोगों ऑटोनोमस स्टेट के बारे में तो पूछो ही मत, मतलब उसके बाद में तो पूछना बंद कर दिया। एक बार पूछा 2019 में, उसके बाद और 5 साल में पूछने का और हिम्मत नहीं हुआ, ऐसे हालत है। तो इसीलिए आज के दिन में एक ही पार्टी है, और पार्टी होने का पहले भी जय गधर जी और उसका टीम हम याद है 2016-17 में हाफलोंग में आया, तब हम भी पॉलिटिक्स में नहीं था, हम भी कोई पार्टी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तब वो आया था हाफलोंग में, सिक्स शेड्यूल अवेयरनेस प्रोग्राम करा था हाफलोंग में, और तब हम अकेला बहुत कम लोग जाके वो प्रोग्राम में जाके सुना बात, हम भी किया क्योंकि हम भी पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग भी पढ़ा है, लेकिन हमको भी अपना सिक्स शेड्यूल के बारे में बहुत कम मालूम था, इसलिए हम गया सुनने के लिए, और उस दिन अभी भी याद है, उसका बात हम सुना, तब तो वो हमको नहीं पहचानता है, हम पहचानता है आज तक, उसका बात सुन के हमको भी मालूम हुआ कि हम पढ़ा लिखा होने से भी सिक्स शेड्यूल के बारे में हम लोग को मालूम होना कितना बाकी है, और कितना लोग हम लोग को ऑफिसर बना है आज के दिन में, डीमा हाथों से भी कार्पियों से भी बहुत लोग पढ़ा लिखा निकला है, लेकिन दुख का बात है, लेकिन आज के दिन में इतना पढ़ा लिखा हो के प्रोफेसर लेक्चरर ऑफिसर, लेकिन कोई भी सिक्स शेड्यूल के बारे में हम लोग को बताने के लिए हिम्मत नहीं करता है, आज के दिन में कोई भी हिम्मत नहीं करता है, खाली अपना नौकरी के बारे में सोच लिया, अपना वेतन अपना तनख्वाह का बारे में, हम कुछ बोलेगा तो हमको शायद ट्रांसफर कर देगा, हमको कुछ बोलेगा तो शायद हम रिटायरमेंट को बाद में हमको कुछ नहीं मिलेगा सरकार के तरफ से, इसलिए पढ़ा लिखा होके भी अनपढ़ गवार जैसे हम हो गया, इसलिए आज के दिन में जय कथा जी इतना आज का उम्र तक भी तकलीफ करते हैं, एक्चुअली आज हम लोग नौजवान लोग हम लोग तकलीफ करने था, वो तो रिटायर होके घर में आराम से बैठना था, लेकिन फिर भी आज निकला है हम लोग को तकलीफ करने के लिए, इसलिए एक बार हम लोग को ट्राइबल यूनिटी करके हम लोग को दिखाना है, हम लोग को वोट देना है। आज के दिन में पीजीआर बीजीआर को एविक्शन लेके हम भी गया था, क्योंकि ये कोई पार्टी का बात नहीं है, लेकिन पीजीआर बीजीआर का एविक्शन का बात होने के बाद अभी तक एविक्शन हुआ, इसलिए हम रिक्वेस्ट करना चाहता है, कोई कोई बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा कोई आदमी है कार्बी अंगलों का जो एविक्शन के बारे में तो बहुत आवाज उठाया, हम भी वो लोग को साथ दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन आया तो ऑर्गेनाइजेशन लोग भी चुप होके फिर जाके बीजेपी को वोट देगा, ये नहीं होगा, फिर आप लोगों ने अगर चुप होके नहीं बीजेपी को ही वोट देगा, क्योंकि बीजेपी काउंसिल ने एविक्शन का ऑर्डर दिया बोलने से, लेकिन बीजेपी काउंसिल ने एविक्शन का ऑर्डर क्यों दिया, क्योंकि आप लोग सब बन कॉल किया, आप लोग सड़क में निकला, और इतना साल से एपीएचएलसी लोग फाइट करते हैं, इसलिए आज के दिन में एविक्शन ऑर्डर दिया है, नहीं तो बीजेपी काउंसिल सीएम ईएम लोग इतना साल से क्यों एविक्शन ऑर्डर नहीं दिया, वो लोग क्यों चुपचाप बैठा, आप लोग आवाज उठाया बोल के एपीएचएलसी लोग आवाज उठाया बोल के आज दिया है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को आदमी लोग को भी हम रिक्वेस्ट करता है, आप लोग जो काम शुरू करा है उसको खत्म होने तक आप लोग रुको, आप लोग ये इलेक्शन में भी पार्टी सोच के नहीं, आप लोग मेंबर नहीं होने से भी एपीएचएलसी को, लेकिन ट्राइबल यूनिटी होके हम बार बार बोल रहे हैं, ट्राइबल यूनिटी होके आप लोगों ने इस बार जय कथा जी को आप लोगों ने भेजना है, दिल्ली में भेजना है, डीमा हाथों से हम आया है, डीमा हाथों में हम सच बात बोलेगा, डीमा हाथों में एपीएचएलसी पार्टी अभी पूरा तरक्का से पूरा अच्छा से मतलब अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन
हम अपना तरफ से हम कमिटमेंट देता है और बहुत लोग हैं अभी डिमाहासाओं में जो अभी सिक्स शेड्यूल को हम लोग को जो खत्म करते हैं और ट्राइबल राइट्स रुकुन अभी हम लोग का काउंसिल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकलता है कि आप झूम करने नहीं सहेगा, झूम खेती करने नहीं सहेगा बोल के ऑर्डर देता है हम लोग को काउंसिल से, आप लकड़ी बांबू काटने नहीं सकेगा बोलता है हम लोग ट्राइबल, हम लोग को झूम करने के लिए, हम लोग को खेती बाड़ी करने के लिए तो हम लोग सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन दिया है, अगर वही हम लोग का राइट्स छीन लेगा काउंसिल से तो कैसे सिक्स शेड्यूल रहेगा। उमरंगसो एरिया में, गरम पानी एरिया में कार्बी बस्ती, 8 कार्बी बस्ती है, वहां में कार्बी का गांव पूरा का बिना परमिशन से अभी लाइमस्टोन का माइनिंग का ऑक्शन कर दिया है और हम लोग का जो वहां का काउंसिल का ईएम है वो लोग बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकेगा, आप लोग उनको मानने लगेगा, लेकिन हम लोग का जमीन कहाँ जाएगा, आदमी कहाँ जाएगा। गर्म पानी एरिया में कार्बी लोग कितना जमीन दे दिया आगे में, हम लोग उनका कोपिली पावर हाइडल प्रोजेक्ट के लिए जमीन दे दिया, उसके बाद में कोयला के लिए AMDC उसके लिए जमीन दे दिया, उसके बाद लोअर कोपिली प्रोजेक्ट के लिए उसके लिए फिर जमीन दे दिया, अभी लाइमस्टोन के लिए फिर और कितना हजार हजार हेक्टर बिना गांव वाला लोगों का परमिशन से अभी ऑक्शन शुरू कर दिया, लेकिन हम लोग का काउंसिल का कुछ भी पावर नहीं है, हम लोग चुपचाप बैठा है। ये इसका नाम का सिक्स शेड्यूल रह गया है, हम लोग सिक्स शेड्यूल का आज के दिन में खत्म कर दिया है। ये सरकार कुछ नहीं करते है, चुपचाप बैठते है, इसलिए अपना जमीन को बचाने के लिए, अपना फ्यूचर बचाने के लिए और हमारा गांव गांव में पंचायती राज अभी शुरू कर दिया जो है, हम MSC होने के टाइम में आज के दिन में अभी भी आप लोग गवर्नमेंट का वेबसाइट है, पढ़ा लिखा लोग यहाँ में है, नौजवान लोग मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का वेबसाइट में अगर आप जाएगा और डिमाहासाओ बोल के आप अगर घुसेगा तो वहां में आपको मिलेगा हाफलोंग गांव पंचायत सरपंच डेनियल लंगफासा, हमको सरपंच बना दिया वो लोग, हमको सरपंच, हम MSC होने में हमको सरपंच बना दिया, लेकिन जब हम काउंसिल को सवाल पूछा और एडमिनिस्ट्रेशन का एम्प्लॉइज को सवाल पूछा डिपार्टमेंट को, वो लोग क्या बोलता है, वो तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, वो मतलब गलती से घुस गया, इतना बड़ा गलती हो सकता है तो काल तो बोलेगा कि गलती से शेड्यूल ट्राइब हम उठा दिया बोलेगा, कल बोलेगा, कल बोलेगा गलती से सिक्स शेड्यूल नेक्स्ट एडिशन में सिक्स शेड्यूल डालना भूल गया बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, सब गलती से कर देगा, लेकिन हम लोग गलती नहीं करना है, हम लोग गलती नहीं करना है ये इलेक्शन में, ना अमर सिंह टीसो, ना जयराम इंग्लैंड, ना ASDC से भी अभी खड़ा है सुना है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चीज में हम लोग नहीं जाना है। जय कथा जी और उसका APHL से टीम जो कितना साल से कुछ नहीं मिलके आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर करके एक पॉलिटिकल पार्टी चलाना कितना तकलीफ का बात है, आप लोगों को मालूम है, आप लोगों आज इतना भीड़ यहाँ में आया 501,000 रुपया लेके आया नहीं क्या आप लोगों, आप लोगों ने क्या 501,000 रुपया लेके आया? आज का दिन में जो भी प्रोग्राम हो हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट में 501,000 रुपया देके आदमी को बुलाता है सब, 501 रुपया, लेकिन यहाँ में देखो आप लोगों इतना ज्यादा आदमी आया तो आप लोगों का प्यार है इधर में मालूम है, और इस बार जैसे भी हम लोगों सिक्स शेड्यूल को बचाने के लिए और ऑटोनोमस स्टेट डिमांड करने के लिए हम लोग जय कथा जी को भेजेगा, हम लोगों ऊपर में भेजेगा ना नहीं भेजेगा, भेजेगा ना नहीं भेजेगा, आप लोगों देखो कोई सवाल आप लोगों को बोल नहीं सकता कि एक आदमी को भेज के आपको ऑटोनोमस स्टेट नहीं मिलेगा, ये बोलेगा, ये कांग्रेस का आदमी बोलेगा, BJP का आदमी बोलेगा, ASDC का भी बोलेगा होगा कि एक टू MP, एक MP से आप ऑटोनोमस स्टेट नहीं मिलेगा, आप बोल सकता है ना नहीं बोल सकता है, लेकिन वो एक नहीं है, साथ में हम लोगों भी तो डिमांड करेगा ना, हम लोग भी तो सब डिमांड करेगा, कार्पी हम का 10 लाख का आदमी, हम लोग डिमांड 2 लाख आदमी हम लोग भी उसके पीछे पीछे में डिमांड करेगा, लेकिन अगर हम लोग MP पहले जैसा होता, अगर खाली सोते रहेगा पार्लियामेंट में हा? नहीं तो आगे का MP जैसे खाली खाली डांस करते रहेगा, गाना गाते रहेगा, हाँ तो कैसा होगा, हम लोग को अभी जो चाहिए
जो सिक्स शेड्यूल के बारे में कॉन्टिन्यूसली बिना थके 6 साल से अकेला पहले शुरू करा, लेकिन अकेला भी वो अगर आवाज करेगा तो महात्मा गांधी जैसे अकेला। महात्मा गांधी जब चलने शुरू करा इंडिपेंडेंस के लिए, कोई उसके साथ में नहीं था, लेकिन वो अकेला चलते चलते बाद में सब जुड़ गया और लास्ट में भारत को भी इंडिपेंडेंस मिला। ऐसे ही अकेला जय खट्टर जी शुरू करा होने सकता, लेकिन आज के दिन में चलने वाला बहुत लोग है। एपीएचएलसी का टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग का फ्यूचर यंग लीडर आंगटोंग जैसा है जो अकेला लॉन्ग वॉक टू जस्टिस भी किया है। हम लोग निमा हसाओ से भी हम लोग को देखता है, हमें सपोर्ट करता है, और आने वाला दिन में निमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हम लोग को नहीं होगा, हम लोग एक साथ चलेगा। कार्बी डिमासा नागा रेंगमा जितना यहाँ में है, हम लोग नागा मार कुकी सब यूनिटी करके 3 हिल डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि हम लोग मिलके एक ऑटोनोमस स्टेट हम लोग मिलके जाएगा, एक ऑटोनोमस स्टेट मिलेगा हम लोग को और हम लोग फाइट करेगा। अगर आज के दिन में ग्रेटर टिपरा लैंड डिमांड कर सकता है तो हम लोग को उससे भी पहले हम लोग का पुराना डिमांड पहले हम लोग को फुलफिल होना है, पहले हम लोग का डिमांड फुलफिल होना है, आप लोग मत भूलो। तो आज हम फिर से बोलता है, आप जो पार्टी का भी पहले में वोट दिया होने सकता कितना बार वोट देगा, बीजेपी को ऑलरेडी काउंसिल में जिता दिया, लास्ट एमपी में जिताया, एमएलए में भी जिताया, इतना बार वोट दे दिया, इतना बार वोट दे दिया, लेकिन अभी भी हम जब कार्बी आंगलोंग का गांव गांव में जाता है तो रोड तो इतना खराब है, रोड इतना खराब है, अभी भी गाँव में घर जो है कच्चा घर देखने को मिलता है। अभी भी आप लोग का हालत ऐसा करके, हम लोग को डिमा हसाओ में भी ऐसा ही है, हम भी कल गांव घूम के आया, अभी भी हम लोग का हालत ऐसा है। तो इतना बार हम लोग को वोट दे दिया, अभी एक बार, सिर्फ एक बार, चलो एपीएचएलसी को आप लोगों ने एक बार चांस दे के देखो, एक बार जय कथन जी और उसका टीम को एक बार चांस देखो, एक बार चांस दे के देखो कि क्या होता है। इतना बोल के हम अपना बात यहाँ खत्म करेगा। आप लोग को थैंक्स, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ में आप लोग को यहाँ में हमको ये मौका दिया, इसलिए हम एक बार फिर बोलेगा, नो ऑटोनोमस स्टेट, नो ऑटोनोमस स्टेट, नो ऑटोनोमस स्टेट, सिक्स शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, ट्राइबल यूनिटी, ट्राइबल यूनिटी, ट्राइबल यूनिटी, ट्राइबल यूनिटी, सर जी आए कथा, सर जी आए कथा, सर जी आए कथा, सर जी आए कथा, कार्बी आंगलोंग डिमा हसाओ यूनिटी, कार्बी आंगलोंग डिमा हसाओ यूनिटी, कार्बी आंगलोंग डिमा हसाओ यूनिटी, थैंक यू, गॉड ओम जुड़ हाई।